व्यापार मंडल मंडी की ओर से विपाशा सदन मंडी में आयोजित अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर को एडीबी प्रोजेक्ट के तहत मंडी को शिवधाम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिवधाम मंडी के नजदीक कंगनीधार के पास इसे विकसित किया जाएगा। व्यापार मंडल मंडी की ओर से बिपाशा सदन मंडी में आयोजित अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर को एडीबी परियोजना के अंतर्गत पर्यटकों के लिए मंडी को शिवधाम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिवधाम मंडी के नजदीक कांगड़ीधार के पास इसे विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी वर्ग समाज में न केवल आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है बल्कि समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उन्होंने कहा कि अधिकतर टैक्स व्यापारियों से लिया जाता है जिससे राष्ट्र के निर्माण व विकास में लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके ऐतिहासिक फैसला दिया है जिससे देश की शेयर मार्केट में भी उछाल आया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की पहल से राज्य में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक दूरदर्शिता, सशक्त और योग्य नेतृत्व के कारण ही संभव हो पा रहा है। प्रदेश के मौजूदा पर्यटन स्थलों से पर्यटकों के दबाव को कम करने के लिए अब राज्य सरकार ने अछुए पर्यटक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का निर्णय भी लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ीधार में आने वाले समय में एक विश्व स्तरीय हेलीपोर्ट होगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद मंडी शहर में व्यास नदी के साथ एक कृत्रिम झील का भी निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी शहर में पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए एक बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मंडी शहर की भीड़ को कम करने का प्रयास भी किया जाएगा और मंडी शहर के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जाएगा। आज व्यापार मंडल मंडी की ओर से एक आयोजन यहाँ पर जो किया गया, इस आयोजन के माध्यम से हम सबको मिलने का भी अवसर मिला और मिलने के साथ साथ में इसके बाद धाम का भी, धाम मंडी की मंडियारी धाम का भी जो है वो सेवन करने का अवसर यहाँ पर दिया है। मैं व्यापार मंडल की सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी यहाँ पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि हमको बोलना नहीं आता। व्यापार मंडल का काम बोलने का होता नहीं और हमारा काम बोलने का ही होता है। जो कार्यक्रम में थोड़ा आगे पीछे हो रहा था तो ये कह रहे थे कि हमको ये कार्यक्रम इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना नहीं आता है, कैसे होता है, किसको पहले बुलाना, किसको बाद में बुलाना, किसको ऊपर बुलाना, किसको नीचे बुलाना। हमने कहा भाव अच्छा होना चाहिए, ये आपके पीछे का विषय बड़ा महत्व है। दिल से भावना व्यक्त हुई कि हमको मिलना चाहिए और मिल करके अपनी बातों को भी साझा करना चाहिए और उसके साथ साथ में हालांकि काम बड़ा नहीं, एक छोटे से काम के लिए जिसका इन्होंने जिक्र किया कि 1975 से एक लंबे समय से जो यहाँ एक विषय था, जिस विषय को लेकर के हमेशा बात करती थी कि इसका समाधान निकलना चाहिए, जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट का एक इशू था, उस दृष्टि से हमने दूर करने की कोशिश की और मुझे लगता है कि वो विलंब हुआ, देर हुआ, अनावश्यक देर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो हुआ और उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। व्यापारों की एक व्यापारी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज में उनका योगदान, हर क्षेत्र में उनका क्षेत्र जो है योगदान पहुंचता है। कई बार हम लोग ऐसे मानते
करके बैठ जाते हैं कि ये तो लाला लोग हैं। और लाला जो भी होता है, लाला के बारे में आमतौर पर ये धारणा व्यक्त करने की आपसे पहले कोशिश होती है कि लाला जो है वो अपने लिए लाभ का ज्यादा जो है संचय करने की कोशिश करता है, जबकि ऐसी परिस्थिति नहीं। व्यापार अगर व्यवस्थित ढंग से हो तो उसका निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचता है। और स्वाभाविक रूप से जब व्यापार करने के लिए कोई व्यापारी अपने काम धंधे में व्यस्त होकर के सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लगन के साथ मेहनत करता है, तो निश्चित रूप से उसके परिवार के लिए भी उसमें से गुजारा निकलना चाहिए, ये भी लाजमी है। और उसके साथ साथ में समाज के लिए योगदान के रूप में उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सुबह से शाम तक जो है सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध समाज के लिए करा, समाज के हर वर्ग के लिए करा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम वो अपने इस दायित्व के माध्यम से करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि सब मिल करके जब हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से जहां पर समाज का लाभ होता है वहां समाज के लाभ के साथ साथ में जो है वो हर वर्ग के हमारे इस हिमाचल प्रदेश में अगर क्षेत्र के विकास की बात करें, प्रदेश के अगर विकास की बात करें, उसमें भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहते हैं, क्योंकि अगर टैक्स की सबसे बड़ी कलेक्शन होती है। आज जितने भी विकास के कार्य अगर चल रहे हैं देश में चल रहे हैं, देश के बाद प्रदेश में अगर चल रहे हैं, तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो टैक्स का है। और टैक्स तो है हर व्यापारी देता है, और इसलिए हम इस बात को कहें कि प्रदेश के विकास में और समाज के हर क्षेत्र के विकास में व्यापारी वर्ग का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो टैक्स का पैसा जाता है वो विकास में जाता है। कार्यक्रम एक बार फिर से वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।